तो लास्ट क्लास में हमने ग्रिड सिस्टम के बारे में देखा, तो कुछ इस तरह से हमने लास्ट एग्जांपल देखा था। इसे हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बना लेता हूँ। मैंने एक डिव बनाया क्लास कंटेनर का, जिसमें अप्लाई किया, और साथ ही मैं इसमें bg इनको अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। इस डिव में मैं एक और ऐसे तीन डिव चाइल्ड्स बनाना चाहूँगा, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में बनाया था। ऐसे तीन डिव यहाँ पर बनाई, जिनमें मैंने क्लास अप्लाई की कॉल, इसमें मैंने कहा कॉलम है ये, और जो फर्स्ट है मैंने कहा ये भी कॉलम, और साथ ही इसमें मैंने क्लास अप्लाई की रो। तो हमें ये दिखाता है कि ये जो डिव है ऐसा रो काम करेगा, ये जो चिल्ड्रंस है ऐसा कॉलम कॉलम और कॉलम। जैसे हमने एक रो बनाई, तीन कॉलम बनाए। मैं इसमें कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया, मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग बनाया जिसमें मैं कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने ऐसे ही जो नेक्स्ट कॉलम है मैंने इसमें भी एक पैराग्राफ टैग बनाया, और यहाँ भी मैंने डमी टेक्स्ट इंसर्ट किया, और इसके बाद मैंने लास्ट में भी सेम यही किया। मैं देखा तो मैं इसे सेव करता हूँ और इस एग्ज़ाम्पल को रन करता हूँ उनका c.html। तो मैंने c.html को रन किया, तो आपने देखा कि कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो मैं इसको थोड़ा और सुधार देता हूँ। मैंने कहा मैंने यहाँ पर क्लास नहीं लिया क्लास, और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा। तो मैंने कहा bg डेंजर, और सेकेंड कॉलम में मैंने कहा bg सक्सेस, और जो थर्ड कॉलम है उसमें मैंने कहा bg प्राइमरी। तो अब मैं पेज को रिलोड करता हूँ, तो आपने देखा कुछ इस तरह से ये पेज दिख रहा है। यहाँ पर एक रो है, तीन कॉलम। तो मैं जो टेक्स्ट का जो कलर है उसे चेंज कर देता हूँ। तो मैंने क्लास अप्लाई की टेक्स्ट लाइट, और मैंने सेव किया, मैंने इसे रिलोड किया। तो ये हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, लेकिन अब मैं इस एग्ज़ाम्पल में ये चाहता हूँ कि इनके जो साइज़ है, मैं चाहता हूँ जो सेकेंड कॉलम है उसकी साइज़ को थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर कॉलम क्लास अप्लाई करता हूँ, col कॉल क्लास अप्लाई करता हूँ, तो होता क्या है कि जो कॉलम्स हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। आपने देखा इक्वल पार्ट्स। अगर मैं इसे देखें रिसाइज़ करता हूँ तो भी इक्वल पार्ट, मैं इसे और रिसाइज़ करता हूँ देखा इक्वल पार्ट इक्वल पार्ट्स, ये देखिए हमेशा इक्वल। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो बीच वाला जो कॉलम है, सेंटर कॉलम मिडल कॉलम, मैं इसकी साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो हमारे पास क्लासेस हैं कॉल वन कॉल टू कॉल थ्री, इस तरह से हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आपको जस्ट एज्यूम करना है कि जो हमारी स्क्रीन है, ये स्क्रीन, इसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने इसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हम अगर यहाँ पर करते हैं कॉल 5, तो 12 इक्वल पार्ट्स में से जो 5 पार्ट्स हैं वो इस डिव से, इस ये जो डिव है उस 5 पार्ट्स में स्प्रेड हो जाएगा। तो मैं इसे रीलोड करता हूँ, तो आपने देखा कि ये जो फर्स्ट वाला जो डिव था उसने इस स्क्रीन की, अगर हमने 12 पार्ट्स की, जो 5 पार्ट्स होंगे उस एरिया में, ये यहाँ पर फैल गया। अगर मैं इसे थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये हमारे पास जो क्लासेस हैं कॉल 1 से लेकर कॉल 12 तक अवेलेबल है। मैंने कहा कॉल 8, मैंने कहा सेव, तो आपने देखा 8 मतलब ये यहाँ से 8, और ये जो बाकी है वो इक्वल पार्ट्स में 8 + 4, तो ये 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हुआ। तो मैंने यहाँ पर कहा 6, और मैंने इसे सेव किया, तो आपने देखा 6। अब मैं जो सेकेंड वाला है इसमें मैं कर देता हूँ कॉल 4, तो आपने देखा 6 + 4 = 10, और जो रिमेनिंग है वो 2। तो मैंने इसे रिलोड किया, आपने देखा। और तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 4, तो अब मैं इसे रिलोड करता हूँ, आपने देखा कि ये 6 में हुआ, ये 4, और ये वाला, क्योंकि वहाँ पे केवल 2 का स्पेस खाली था, मैंने 4 लिखा इसलिए वो नीचे आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉल 12, तो
चूंकि ये 12 है तो ये ऊपर रहेगा, ये ग्रीन वाला नीचे और उसके नीचे, ये देखिए हुआ इस तरह से हमने देखा। तो ये कोई भी स्क्रीन साइज़ होगी ये सब में अप्लाई होगा। अगर मैं स्क्रीन को मीडियम साइज़ करता हूँ या फिर स्मॉल साइज़, ये सभी में एक जैसा रहेगा देखा ये ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रीन साइज़ चेंज करूँ, अगर स्क्रीन साइज़ स्मॉल हो तो इसका साइज़ कुछ अलग होना चाहिए, अगर स्क्रीन साइज़ मीडियम हो तो ये जो डिव है इसका साइज़ अलग होना चाहिए, और अगर स्क्रीन साइज़ लार्ज है तो इसका साइज़ अलग होना चाहिए। ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।